बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो एक अच्छी बात है जो मैं करूँगा, वो आपसे गुजारिश है कि अगर सोशल मीडिया पर आप कोई इस्लामी पोस्ट शेयर करता है तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो बंदा बहुत नेक है जो पोस्ट शेयर कर रहा है, ठीक है, बल्कि ये एक याद दहानी होती है जो हम खुद को और खुद से जुड़े ईमानी साथियों को, मतलब कि जो हमारे दोस्त होते हैं, उनको याद दहानी करवाते हैं के अल्लाह से जुड़े रहो। क्योंकि कुरान कहता है सूरह ज़ारियात में, फ़ज़कुर फ़अन्नल ज़िक्रा तनफ़अल मोमिने, ये अरबी जो इसके वो, क्योंकि इधर तलफ़्फ़ुज़ नहीं है तो मेरे ख्याल में गलती हो सकती है, तो इसका जो तर्जमा है वो ये है, आप नसीहत करते रहें, यकीनन ये ईमान वाले, ये नसीहत ईमान वालों को नफ़ा देगी। तो इसका मतलब यही है कि दिखावे से बचना है, और लाजमी नहीं कि एक बंदा दिखावा कर, आपके नेकी की दावत दे रहा है तो वो आपसे दिखावा कर, ठीक है। तो आइए हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये था आज हमारा जो अच्छी बात थी वो तो आपने देख ली है। अभी हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट इंट्रोडक्शन। कुछ लोग जो होते हैं वो कंस्ट्रक्शन को एक्टिविटी समझते हैं, और जो स्मॉल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें भी डिज़ाइन को एक्टिविटी समझा जाता है, ठीक है। तो बात भी उनकी सही है क्योंकि चैप्टर का नाम है डिज़ाइन एंड सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन के अंदर डिज़ाइन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ओके। इवन इन सम लार्ज प्रोजेक्ट्स ऑफ फॉर्मल आर्किटेक्चर माइट एड्रेस ओनली द सिस्टम लेवल इश्यूज एंड मच डिज़ाइन वर्क माइट इंटेंशनली बी लेफ्ट फॉर कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब ये है कि कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें एक फॉर्मल आर्किटेक्चर जो होता है ना, वो सिस्टम लेवल इश्यूज को एड्रेस करता है, उनकी निशानदेही करता है, ओके। एंड मच डिज़ाइन वर्क माइट इंटेंशनली बी लेफ्ट फॉर कंस्ट्रक्शन, एंड जो डिज़ाइन होता है ना वो जो दूसरी बाकी कंस्ट्रक्शन रह गई होती है उनको इंटेंशन देता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। डिज़ाइन माइट बी जस्ट राइटिंग अ क्लास इंटरफेस, मतलब कि आप क्लास के अंदर जो क्लास का जो इंटरफेस होता है जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स के थ्रू आप अपने फंक्शन को रन करते हैं, ओके। क्लासेस के अंदर जो फंक्शन होते हैं उनको परफॉर्म किया जाता है। ड्राइंग डायग्राम्स ऑफ अ फ्यू क्लास रिलेशनशिप बिफोर कोडिंग नेम, मतलब कोडिंग करने से पहले हमें क्लासेज के थ्रू एक फॉर्मल डिज़ाइन बनाते हैं कि इस तरह हम वर्किंग होगी, ठीक है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जिस तरह हम बनाते हैं ना, पहले उसका एक डिज़ाइन बनाया जाता है फिग्मा के अंदर, या आप इलस्ट्रेटर के अंदर भी बना सकते हो, ओके। उसके बाद आता है रिगार्डलेस ऑफ हाउ इट्स डन, स्मॉल प्रोजेक्ट्स बेनिफिट फ्रॉम केयरफुल डिज़ाइन जैसे लार्ज प्रोजेक्ट्स, मतलब कि जो डिज़ाइन है ना वो स्मॉल प्रोजेक्ट्स के भी सेम होना चाहिए और जो लार्ज प्रोजेक्ट हैं उनके लिए भी, क्योंकि डिज़ाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये मैक्सिमम बेनिफिट्स हमें प्रोवाइड करता है एट द एंड। डिज़ाइन के जो चैलेंजेस है वो डिज़ाइन द फ्रेज सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, इसका मतलब है कंसेप्शन इन्वेंशन ऑफ अ स्कीम फॉर टर्निंग अ स्पेसिफिकेशन फॉर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंटू ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर, मतलब आपके पास एक डिज़ाइन है, डिज़ाइन किस तरह बनाएंगे आप, या तो आप पेपर पर बनाएंगे या आप सॉफ्टवेयर के अंदर बनाएंगे। तो जो नॉर्मल प्रोग्रामर जो होते हैं वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर वो बनाते हैं अपना डिज़ाइन, ओके। तो उसको कन्वर्ट किया जाता है बाद में, उस कंसेप्ट को, उस आइडिया को बाद में ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर के अंदर कन्वर्ट कर लिया जाता है कोडिंग के थ्रू। डेड सेल्स डिज़ाइन चैलेंज। डिज़ाइन एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि रिक्वायरमेंट्स कोडिंग और डिबगिंग के साथ लिंक्ड होती है टोटली, और जो अच्छा डिज़ाइन होता है वो स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए भी ज़रूरी होता है एंड एसेंशियल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो डिज़ाइन के अंदर कुछ नमेरस जो चैलेंज होते हैं वो ये है, डिज़ाइन इज अ वेक्ट प्रॉब्लम, ओके। डिज़ाइन इज अ स्लोपी प्रोसेस होता है, और डिज़ाइन इज अबाउट ट्रेड ऑफ्स एंड प्रायोरिटीज, मतलब कि डिज़ाइन के अंदर आप क्या करते हैं, प्रायोरिटी सेट करते हैं, ट्रेड ऑफ्स। ट्रेड ऑफ क्या होता है, मतलब आप एक चीज़ को छोड़ भी दें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, उस लिहाज से हम डिज़ाइन में आ जाता है कि अगर हम एक डिज़ाइन इस मॉड्यूल को स्किप करते हैं या फिर हम इसको रिलीज पे पेंडिंग पे छोड़ देते हैं तो क्या होगा, इससे हमारे जो प्रोजेक्ट है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद डिज़ाइन के अंदर रिस्ट्रिक्शन भी होती हैं काफ़ी ज़्यादा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक भी होता है, उसके अंदर आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं मिली होती,
ह्यूरिस्टिक प्रोसेस होता है, मतलब कि डिजाइन के अंदर आपको क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस होता है, आप नई क्यूरियोसिटी के थ्रू आप चीजों को लर्न करते हैं। ओके, उसके बाद डिजाइन एक एमर्जेंट प्रोसेस है, मतलब कि तेजी के साथ चेंज होने वाला प्रोसेस, इसके अंदर आप कंटिन्यूअसली चेंज करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो डिजाइन के कंसेप्ट है वो बेसिकली की कंसेप्ट क्या है, इसके रोल ऑफ कम्प्लेक्सिटी, कम्प्लेक्सिटी को कम करता है, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिजाइन, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो हम आगे देखेंगे, और लेवल ऑफ डिजाइन क्या है। ठीक है, तो लेवल के अंदर भी वो इटरेशन वगैरह आ जाते हैं, और मैंने कम्प्लेक्सिटी, कम्प्लेक्सिटी कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं, ये इसके चंद पॉइंट्स हैं। तो गए मतलब स्टूडेंट्स, ये तो देखिएगा आप, अब व्हेन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट सर्वे डिस्क्राइब द कॉजेज ऑफ प्रोजेक्ट फेलियर, मतलब कि जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट जो डन है उसका हम एक सर्वे तैयार तैयार करते हैं स्टूडेंट्स को, या उस एरिया के अंदर जो जो यूजर्स होते हैं उनको हमने एक सर्वे प्रॉपर देते हैं क्वेश्चनरी के तहत, उसको फिल करते हैं, उसके अंदर प्रोजेक्ट के फेलियर्स होते हैं जो हमने आइडेंटिफाई करने होते हैं, फिर उन प्रोजेक्ट्स की फेलियर्स को हमने सॉर्ट आउट करना होता है। किस तरह हम प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं, प्रोजेक्ट फेल कैसा होता है, प्रोजेक्ट फेल होता क्यों, वो रिक्वायरमेंट्स के थ्रू प्लानिंग नहीं उस तरह सही होती, उसके बाद उसकी मैनेजमेंट में सही नहीं होती, तो कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ जाती है, उसको हम कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं। उसका एक ही तरीका है कि हम अपने जो सॉफ्टवेयर होता है, जो हमारे एक प्रॉपर वर्क होता है, उसको हमने कर दे पीसीज के अंदर कन्वर्ट। ठीक है, लास्ट पॉइंट इसका पढ़िएगा, व्हेन अ प्रोजेक्ट रीच्स द पॉइंट एट विच नो वन कम्प्लेक्सिटी अंडरस्टैंड, कोई बंदा कम्प्लेक्सिटी को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उस पॉइंट पे द इम्पैक्ट डेट कोड चेंजेस इन वन एरिया विल हैव नो अदर एरियाज प्रोग्रेस ग्राइंड्स टू हॉल्ट। ओके, तो उसके बाद ये एक बहुत टेक्निकल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायजेक्स्ट्रा की जो कंप्यूटर के एक ना डायजेक्स्ट्रा की एक गेम भी थी फॉर्मल वर्ड्स के अंदर, उसको भी हमने पीछे किया हुआ है स्टडी, अगर आपने लेक्चर नहीं देखा तो आप देख सकते हैं वो वाला भी, विच मीन्स डैट वी एज सॉफ्टवेयर डेवलपर्स शुड नॉट ट्राई टू काम टू कैम होल प्रोग्राम्स इनटू आवर स्कल्स एट वंस, हम अपने जो सॉफ्टवेयर होता है पूरा प्रोग्राम उसको एक दफ़ा नहीं लिख सकते। ठीक है, उसको लिखने के लिए हमें उनको करना पड़ेगा पीसी के अंदर कंप्यूटर प्रोग्राम का। द गोल इज टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ प्रोग्राम यू हैव टू थिंक अबाउट एनी वन, अबाउट एट एनी वन टाइम, तो जो सॉफ्टवेयर कम्प्लेक्सिटी होती है वो रिड्यूस होती है बाय डिवाइडिंग द सिस्टम इनटू सब सिस्टम्स, ये बेसिकली मेन पॉइंट था इसका, कम्प्लेक्सिटी किस तरह डाउन होती है। तो द गोल ऑफ ऑल सॉफ्टवेयर डिजाइन टेक्निक्स इज टू ब्रेक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इनटू सिंपल पीसेस, बहुत बड़ी आपके पास प्रॉब्लम है उसको अपने पीसेस के अंदर करना है, तो फिर आपका जो कम्प्लेक्सिटी होती है ना वो खत्म हो जाती है टोटली गैप। उसके बाद गाइस मैनेजिंग कम्प्लेक्सिटी, अ कम्प्लेक्स सॉल्यूशन इज टू अ सिंपल प्रॉब्लम, अभी तो देखिएगा, अ सिंपल इनकरेक्ट सॉल्यूशन टू अ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, मतलब हमने एक कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को कम्प्लेक्स सॉल्यूशन देना होता है, सिंपल सॉल्यूशन ही देना होता है, तो ये इधर एक कम्प्लेक्सिटी हो जाती है। उसके बाद आ गया हाउ टू अटैक कम्प्लेक्सिटी, डायजेस्टर के थ्रू अगर देखा जाए तो ये बहुत मुश्किल है, और इसकी जो रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है वो ये है कि टू प्रॉन्ग अप्रोचेस टू मैनी कम्प्लेक्सिटीज, ये दो है, मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ सेंशियल कम्प्लेक्सिटी डेट एनी वन ब्रेन हैज टू डील विद द एट एनी वन टाइम, कीप एक्सीडेंशियल एक्सीडेंटल कम्प्लेक्सिटी फ्रॉम नीडलेसली प्रोलाइफ रेटिंग, एक दफा आप इसे समझ जाते हैं तो आपके टेक्निकल जो गोल्स होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं किस तरह कम्प्लेक्सिटी को मैनेज करने में, जो काफी ज्यादा डिजाइन होते हैं वो समझा जाता है कि स्ट्रेट स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाए जाएंगे। उसके बाद डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई हैं डिजाइन के, और उसके बाद लेवल ऑफ डिजाइन आ गए, तो फाइनली क्वालिटी जो इसके मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनमें से आ जाती हैं, ये मिनिमल जो इसके ये कम्प्लेक्सिटी है, उसके बाद मेंटेनेंस इसकी ईजी होनी चाहिए, लूज कोपलिंग होनी चाहिए, मतलब कि एक दूसरे को एडजस्टमेंट कर सकते हैं, एक्सटेंसिबिलिटी होनी चाहिए। उसके बाद एक्सटेंसिबिलिटी क्या है, मतलब हम एक क्या कहते हैं, एक सॉफ्टवेयर को एक्सटेंड कर सकें, उसके बाद रीयूजेबिलिटी, एक होता है दो तरह की होती है रीयूजेबिलिटी, ये देखिएगा मैं आपको इधर दिखाऊंगा रीयूजेबिलिटी दो तरह किस तरह की,
एक होता है कि आप सॉफ्टवेयर को बनाए इस तरह के वो दोबारा यूज हो जाए, दूसरा होता है कि सॉफ्टवेयर पहले बना बनाया आपके पास पड़ा हुआ है ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आपने सिंपल उसमें मॉडिफिकेशन करनी है और उसका यूज कर लिया। उसके बाद आ जाता है ये इसकी ये फैन इन और फैन आउट है। उसके बाद पोर्टेबिलिटी, मतलब आपका सॉफ्टवेयर इस तरह होना चाहिए कि आप उसको पोर्टेबल कर सकते हो, आप लैपटॉप कंप्यूटर किसी भी मीडियम के अंदर किसी भी क्या कहते हैं कंपोनेंट के अंदर यूज कर सकें। उसके बाद लेना सोना भी चाहिए, उसके बाद सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, उसके बाद उसकी स्टैंडर्ड टेक्निक्स जो कि हर सॉफ्टवेयर आई थिंक आपके साथ प्रोवाइड की जाती हैं आपको, लेवल्स ऑफ डिजाइन, दिस इज अवर लास्ट टॉपिक। ओके वीडियो आई थिंक इट्स टू लॉन्ग, सो सॉरी गाइस, जस्ट फोकस ऑन लर्निंग द कंसेप्ट ऑफ वीडियो, लेवल्स ऑफ डिजाइन। इसके अंदर सॉफ्टवेयर का एक सिस्टम होता है, उसे सब पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद डिवीजन इनटू क्लासेस विद इन द पैकेज, ये पैकेज बनाया गया है सेकंड स्लॉट में, ये सेकंड इमेज। तो पैकेजेस के अंदर एक पैकेज है ना ये वाला, उसके अंदर ये सारी क्लासेस यूज किए हैं। ठीक है, अब क्या हुआ है, डिवीजन इनटू डेटा एंड रूटीन्स विद इन क्लासेस, ये क्लास है, एक क्लास के अंदर डिवीजन की गई है डेटा एंड रूटीन्स की। सही है, तो फिर क्या एट द एंड क्या बचा हमारे पास, ये जो डेटा रूटीन्स है इंटरनल रूटीन डिजाइन, रूटीन इस तरह का डिजाइन होता है, टिप्स जो होती हैं उनके अंदर ये डिजाइन होता है, उसके अंदर आपका एम्बेड किया जाता है एक सिस्टम को, एक सॉफ्टवेयर को। तो ये थे बेसिकली सॉफ्टवेयर के डिजाइन, और ये इसका सारा सिस्टम बताया किस तरह हमने उसको डिवाइड करना है, वो मैंने आपको एक पिक्चर के अंदर सारा ए टू जेड आपको कन्वर्ट करा दिया। हाँ, जब आपने उनको लिंक करना है तो कोई कैन स्टॉप इट, तो उसके अंदर कोई मतलब किस तरह के एरर नहीं होने चाहिए। अगर आपकी इंटरफेस है यूजर इंटरफेस है तो आपको क्लियर कट नजर आना चाहिए, ये देखिएगा उसकी एक प्रॉपर सेटिस्फिकेशन हो गई, ये एक रॉन्ग है, इस तरह नहीं आपने डिवाइड करना अपने जो कम्प्लेक्सिटी है उसको, इस तरह करना कि वो प्रॉपर एक अपने डिजाइन को हर अप्रोचेज को प्रॉपर यूज कर सके, उनको एरर ना हो, इतनी ज्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए। ये उनके आपने डिटेल के साथ पढ़ लेना है वीडियोज को पास करके, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी होगी। बात वही है जो आपको मैंने सिंपल समझा दी है सारी, हेयरिस्टिक्स होना चाहिए, मतलब डिजाइन के अंदर आपको हेल्प करता है, आप नई चीजें एक्टिविटीज को अपने लर्न करते हैं, फिर उनको ट्राई करते हैं, फिर उनको देखते हैं, फिर दोबारा यूज करते हैं। तो डिजाइन के अंदर ये जो आपके रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स आते हैं, आपने पॉसिबल होता है तो आप प्रॉब्लम को जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस सोल्यूशन पड़ा हुआ है उसको यूज करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें, अदरवाइज आपने कॉमन डिजाइन पैटर्न को लाजमी बनवाना होता है या बनाया हो जिस तरह आपके एक्सपर्टाइज हैं आपके अंदर। उसके बाद आता है रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स, उनके अंदर भी आपने यही काम सिंपल करना होता है, और इन्फॉर्मेशन अपनी हर किस तरह के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की तरह, जिस तरह आप वो कहते हैं पब्लिक प्राइवेट और वो जो होती है प्रोटेक्टेड, ये क्या है, ये फंक्शंस हैं एनकैप्सुलेशन करने के, वही बात है आपकी सिक्योरिटी डाटा की किस तरह हो सकती है, या उसके बारे में सारे डिटेल साथ दिखाया गया। तो ये था गाइस आज का लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, सीखते रहिए, जी फी मान, अल्लाह हाफिज़।